वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत ढेरों सारी ईद की मुबारकबाद। और यार, हमने तो अभी यहाँ आज बकराई थी और हमने नमाज अदा कर ली। मस्जिद तो बंद है, आप लोगों को पता है, कोरोना की वजह से हर जगह जो है लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। अभी भी है बहुत सारे जगहों पे, यहाँ ओमान में भी ऐसा ही है। और मैं इस वक्त ओमान में हूँ, तो हम लोगों ने नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ी, बल्कि जो हम लोगों के रूम के लोग हैं इकट्ठा होकर के रूम में ही बकरीद की नमाज अदा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नमाज पढ़ी सब लोगों ने। तो आप लोग भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें और मस्जिद में ना जा करके घर पे अपने 8-10 लोग जो भी है अपने मोहल्ले के लोग इकट्ठा होके नमाज अदा करें और फुल एंजॉय करें। लेकिन थोड़ा ये कोरोना यार ऐसी बीमारी है कि इसमें अगर किसी को कुछ हो जा रहा है, मरीज हो जा रहा है, या फिर इसकी वजह से अगर इसकी मैयत हो जा रही है, इंतकाल हो जा रहा है, तो यार उसके जनाजे में कोई नहीं जा रहा है, उसके घर कोई नहीं जा रहा है। तो यार ये सब ये बहुत ही ख़राब बीमारी है। तो आप लोग प्लीज़ इससे बचें और लोगों को बचाएं। और अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं हूँ कहाँ पे इस वक्त, तो ये सब झाड़ वाले पीछे। तो अभी हम लोगों ने जो पहले जो मेरा फ्लैट था, अभी मैं हूँ वहीं पे ऑलरेडी, अभी हम लोग वहीं पे हैं। और ये जो है इंशाल्लाह 2-3 दिन में यहाँ हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ये पूरा एक यहाँ के अरबी का ये घर था, तो उसको हम लोगों ने रेंट पे ले लिया। ये लोग यहाँ रहते नहीं हैं, इसको छोड़ दिए हैं, तो अभी फ़िलहाल रेंट पे हम लोगों को दे दिया वो। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और आप लोगों को दिखाते हैं अपना ये घर कैसा है, देखिए आप लोग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एंट्रेंस है यहाँ का और ये बाथरूम का डोर है। इधर से लॉक है, अंदर से मैं दिखाता हूँ इसको अच्छे से। और इधर ये थोड़ी नक्काशी बनाई हुई है खूबसूरती के लिए, जंगला जंगले टाइप का। और ये इसमें ये पहला रूम है मेरा, देख सकते हैं आप लोग, ये पहला रूम। ये सब लाइट बंद है, आप लोग ऐसे देख लीजिए बस, ये पहला रूम हो गया मेरा। और ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम, पहला वॉशरूम। ये अच्छा खासा ये हॉल है, यहाँ भी आदमी बैठ सकता है, सो सकता है, जो चाहे भी कर सकता है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं 3-3 फैन है, इधर इधर 3-3 फैन लगवा दिया है। और ये अभी आप लोगों ने पहला रूम देखा, और ये दूसरा रूम, यहाँ पे लगवाएंगे एसी। ये एसी के लिए जगह छोड़ी हुई है, तो यहाँ एसी रहेगा। और अभी बहुत कुछ इसमें काम बाकी है, अभी इसमें कारपेट वगैरह भी लगवाना है। और इधर ये भी बाथरूम है, ये दूसरा बाथरूम है, देख सकते हैं आप लोग। और फिर इसके बाद है 2 रूम, एक बाथरूम के बाद फिर एक रूम है। ये थोड़ा रूम बड़ा है, यहाँ भी एसी के लिए उधर जगह छोड़ी गई है, प्लाई लगा हुआ अभी ऑलरेडी, तो उसको निकाल करके वहाँ एसी लगाया जाएगा। आइए और भी दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ कैसे क्या है। और यहाँ ये किचन का है स्पेस, तो अभी हम लोगों ने आकर के ये सब सही करवाया है 2 दिन पहले। इधर ये यहाँ गैस चूल्हा यहाँ रखा जाएगा खाना वाना बनाने के लिए, यहाँ बर्तन प्लेट धुलने के लिए, बाकी इधर जो भी है अपना सब सामान इधर रखेंगे हम लोग। उसके बाद इधर अलमारी पड़ी हुई थी, ये एक अलमारी थी इधर पड़ी हुई, इसको भी हम लोग साइड कर दिया। ये ऊपर जाने के लिए इधर से रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए, और इसको जो है बंद किया हुआ है, लेकिन जाना चाहे इंसान तो खोल के जा सकता है ऊपर। और अभी जो वीडियो मैंने बनाया थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ बैठ करके बना रहा था इस जगह पे। तो ये है मेरा एक छोटा सा घर ओमान के अंदर, जो अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम लोग आकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यार मेरी वीडियो ये काफ़ी दिनों बाद आ रही है, वजह ये थी कि आप लोगों को पता है कि मेरा काम क्या है,
अगर आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखेंगे, पिछला वीडियो, तो उसमें मैं अपनी काम भी दिखाया हूँ, मेरी दुकान जो भी है, शॉप है यहाँ पे ओमान के अंदर, तो वह सब दिखाया हूँ मैं उसमें। तो आप लोग देख सकते हैं जाके मैं काम क्या करता हूँ यहाँ पे। तो कुछ कस्टमरों का अभी तक काम ख़त्म नहीं हो पाया है, तो अभी माल उन लोगों को डिलीवर घर जाके करना पड़ रहा है। अभी आज अभी 4 बजे मैं टाइम दिया हूँ, अभी उसका पीस रेडी नहीं हुआ है, कपड़ा जो कंदूरा होता है अरबी लोगों का, तो अभी वो रेडी हो जाएगा, फिर मैं उसके घर जाके डिलीवर। तो इंशाल्लाह आगे से वीडियो लगातार मेरी आती रहेगी, क्योंकि काम बहुत है यार, बहुत था, बहुत टेंशन था, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से काम अभी ख़त्म हो गया। अभी 5-6 महीने तो बिल्कुल, यानी थोड़ा काम रहेगा, ज़्यादा काम नहीं रहता है। ईद और बकरीद के समय काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, यानी फुर्सत नहीं मिलती कोई और दूसरा काम करने के लिए। छुट्टी तो है, 3 दिन दुकान बंद है। अगर घूमने जाऊँगा तो वीडियो बनाऊँगा। और यहाँ पे ये 25 तारीख से, यानी जुलाई 25 से और अगस्त 8 अगस्त तक यहाँ सुबह 6 बजे से और शाम के 7 बजे तक सब कुछ ओपन है, सब कुछ खुला है, लेकिन रात के 6-7 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक पूरा लॉकडाउन है, यानी कुछ भी सुपरमार्केट, खाने पीने का, होटल, कुछ भी, सब कुछ बंद है। तो रात में तो कहीं निकल नहीं सकते हैं अगर मौसम ठीक रहा, क्योंकि गर्मी बहुत है यार यहाँ पे। तो मौसम अगर अच्छा रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे कहीं घूमने टहलने, तो आप लोगों को वीडियो बना करके भी दिखाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जो भी लोकेशन पे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इंशाल्लाह आप लोगों को इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग दिखाते रहेंगे। तो यार अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करता रहूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जो भी मैंने दिखाया, जो भी बताया, आपको अच्छा लगा होगा। और आप लोग देख सकते हैं मैंने एक पठानी सूट सिलवा लिया था, इसकी फिटिंग थोड़ी मुझे लूज लग रही है, इसे मैं सही कराऊंगा। आप लोग भी देख सकते हैं, हो सकता है कैमरे में ना दिखता हो लेकिन मुझे पहनने के बाद एहसास हो रहा है फिटिंग सही नहीं इसका। तो जल्दी जल्दी में रात में मैं लेके आया, सुबह पहन लिया और अभी पहना ही हूँ, अभी से वॉश करके फिर दूंगा इसको जो है सही कराने के लिए। तो अभी यार जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें, और कैमरामैन आलमीन के साथ ये भाई, हाय क्या हाल चला, ठीक है, मुबारक। ये बांग्लादेश के हैं आलमीन, पूरा नाम क्या है? मेरा मोहम्मद आलमीन। मोहम्मद आलमीन बहुत ही नेक आदमी है, बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ ये भी काम करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आलमीन भाई भी अच्छे लगे होंगे। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रहमतुल लिल आलमीन।